हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटो कैड का सीरीज। ठीक है, ऑटो कैड का हम लोग 3 या 4 वीडियो करेंगे, है ना। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सबको मेंशन कर देंगे, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो एकदम अच्छे से इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड से। तो देखो, पहले ऑटो कैड के बारे में जाने। ऑटो कैड क्या है, कब बना? 1982 में। ठीक, बनाने वाली कंपनी का नाम ऑटोडेस्क, पूरा नाम ऑटोडेस्क INC USA। ठीक है ना, ये कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क INC USA। ठीक, कब बना है? 1982 में बना। क्लियर? 1982 में। अब देखो, ऑटोकैड क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग पढ़े ही होंगे, जानते होंगे ऑटोकैड में क्या अच्छा है। अच्छा, दो चीज़ मान के चलना कि ऑटोकैड में एडिटिंग आप अच्छे से कर सकते हो। ऑटो कैड में आप एडिटिंग एकदम अच्छे से कर सकते हो, जो भी लाइन की एडिटिंग करनी है, सर्कल वगैरह सब एडिटिंग यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? दूसरा चीज़ ये है कि इसमें एरर नहीं आता, है ना, एरर एकदम नेग्लेजिबल है। और वही चीज़ अगर आप सीट पे बनाओगे तो उसमें एरर आने के चांस रहते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप ड्राफ्टर यूज कर रहे हो, ड्राफ्टर मान लो बहुत दिन से चल रहा है, तो क्या होता है, जो उसमें यूज हो रहा है स्केल वगैरह, तो उसमें एरर आने लगाता है, एरर आने लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 90 डिग्री का आप एंगल बना रहे हैं तो हो जाएगा 91 डिग्री। क्लियर? तो इस हिसाब से इसमें जो रहेगा एरर नहीं आएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं तो हो सकता है एरर आए। ठीक है, और इसमें एक और चीज़, इसमें प्रिसीजन बहुत एक्यूरेटली होता है। ठीक है ना, मान लीजिए एक प्रोडक्ट अगर 90 का बना है तो अगला एग्जैक्ट 90 का ही बनेगा। ठीक है ना, वही अगर आप पेंसिल वगैरह से बना रहे हो सकता है 90 का बने, अगला 90.2 हो जाए, है ना। तो इस तरीके का छोटा छोटा जो एरर रहेगा इसमें नहीं होता, वहाँ पे हो सकता है। और एडिटिंग आप अच्छे से कर सकते हो, कलर वगैरह भी कर सकते हो, है ना, अच्छे से कलर दिखा सकते हो, लाइन का ये कलर वो वगैरह। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, है ना, पहले उसको भी जान लेते हैं। तो देखो, एक सॉफ्टवेयर होता है ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एनालिसिस सॉफ्टवेयर। दो टाइप का सॉफ्टवेयर, ड्राफ्टिंग और एनालिसिस। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसमें ड्राइंग बनाया जाता है, क्लियर ना, जिसमें आप स्केचिंग करोगे, ठीक, उसको बोलेंगे ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हम लोग फोर्स कैलकुलेशन, स्ट्रेस कैलकुलेशन, ये सब जब करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल भी हम लोग यूज करके सॉफ्टवेयर में ही चेक कर लेते हैं कि उसका कितना लाइफ है वगैरह, कुछ भी अगर जो भी आपको चेक करना है। तो ये सब चीज़ कहाँ पे होता है? एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, फोर्स का कैलकुलेशन। जैसे मान लो कि अगर ये डायग्राम बना दिए बीम का, ठीक, ये बना है कास्ट आयरन से, ठीक है, कास्ट आयरन का बना, इस पर लोड दे दिए 100 न्यूटन का, तो ये कितना दिन तक चलेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पॉइंट पे आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, अगर लोड बढ़ गया तो कैसे बेंडिंग होने लगेगा। तो ये सब का सब कैलकुलेशन कहाँ होता है? एनालिसिस सॉफ्टवेयर में। आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत एडवांस हो गए हैं, आपको पहले ही कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही आपको सारा कैलकुलेशन हो जाता है पहले से ही। ठीक है, ये सब चीज़ तो दो। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बेसिक ड्राइंग भी हो जाता है, है ना। जैसे ड्राफ्टिंग के लिए तो अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑटो कैड हो गया, कैटिया हो गया, है ना, कैटिया हो गया, और सॉलिड वर्क हो गया, सॉलिड एज, ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये सब ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर डायग्राम बनाने के लिए होता है। देखो, आजकल जो चल रहा है सबसे बेस्ट चल रहा है कैटिया, ठीक है ना, इसमें 3D ड्राइग्राम एकदम इजीली बनता है। 3D ड्राइंग अगर करना होगा तो एकदम आराम से होता, तो कैड में ही है, बेसिक सबका कह सकते हो ओरिजिन जो बोला है ऑटो कैड ही है, इसको देखा देखी ये सब बनाए हैं। ठीक, और ऑटो कैड ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर साल अपडेट होते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दिया, हर साल नया वर्जन आते रहता है, अपने आप को अपडेट करते रहता है। क्लियर, इसलिए अभी भी मान लो 1982 में बना था तो अभी भी इसका जो डिमांड है एकदम अच्छा है ऑटो कैड का। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों चीज़ होगा, ध्यान रहे ऑटो कैड में हम लोग दोनों डायग्राम बनाएंगे, 2D डायग्राम भी और 3D डायग्राम भी, ठीक है ना, ऑटो कैड में दोनों चलेगा, 2D एंड 3D दोनों। ठीक है,
ये सब चीज़ समझ गए इंट्रोडक्शन वगैरह। अब आते हैं देखो फंक्शन की पे, है ना। हमारे पास देखो 12 फंक्शन की है, 12 फंक्शन की है। इसको एकदम वैसे ही समझना है जैसे हम लोग सीट पे बना रहे थे ना, जैसे सीट पे डायग्राम किए थे उसी तरीके से इसमें भी सीखना है कि कैसे, जैसे वहाँ पे क्या था, स्केल था, कंपास था, प्रोटेक्टर था, ये सब चीज़ था। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा टूल मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे सर्कल चाहिए तो सर्कल का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो देखो जब आप इंटरफेस ओपन करोगे, ठीक, इंटरफेस ओपन करोगे तो आपको चार चीज़ दिखेगा। ठीक, पहला दिखेगा आपका मेन्यू बार, दूसरा दिखेगा आपको टूल बार, और ये रहेगा ड्राइंग स्पेस। ठीक, यहाँ जो मिलेगा आपको ड्राइंग स्पेस, और जो नीचे की ओर मिलेगा आपको कमांड बार, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे, जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो ये चार चीज़ आपको दिखने लगता है ऑटोकैड जैसे ही ओपन होगा तो, ठीक है। तो देखो पहले दिखा मेन्यू बार, टूल बार, ड्राइंग स्पेस और कमांड बार, क्लियर, इतना चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, अब आते हैं फंक्शन की में। देखो मेन्यू बार कहने का मतलब यहाँ दिखेगा आपको, जैसे फाइल, सेव करना है तो फाइल दिखेगा, कोई फाइल ओपन करना है, ठीक है। कमांड का बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, शो कराना है, 3D में शो कराना है, 2D में शो कराना है, तो इस तरीके से सब मेन्यू बार में। टूल बार में लाइन का टूल दिखेगा, सर्कल का टूल, आर्क का टूल वगैरह, जितने भी टूल्स होते हैं सब टूल बार में। अब देखो ड्राइंग स्पेस क्या है कि यहीं पे आपका ड्राइंग डायग्राम दिखेगा, है ना, जो आप डायग्राम बनाओगे इस स्पेस में आपको दिखेगा, क्लियर, इस स्पेस में आपको दिखेगा। और ये कमांड बार क्या है, कमांड बार में जो भी आप कमांड डालोगे, है ना, जो भी आप कमांड डालोगे वो आपको कमांड बार में शो करने लगेगा, क्लियर। इतना चीज़ समझ गए होगे, जैसे आप ऑटोकैड ओपन किए तो ये चार चीज़ खुलेगा। और ये क्या है, आपका मॉनिटर है, है ना, मॉनिटर पे सॉफ्टवेयर खुला जो कि ऐसा दिख रहा है, ठीक। चलिए अगर सॉफ्टवेयर होगा आपके पास ऑटोकैड तो ये सब चीज़ एकदम इजीली समझ गए होगे क्या चीज़, नहीं है तो भी आप समझ गए होगे चार चीज़ दिखेगा। अब आते हैं फंक्शन की पे। तो देखो आपके पास टोटल फंक्शन की कितना है, 12 फंक्शन की है, एकदम अच्छे से समझना है। पहले बात करें अगर कोई बिगिनर होगा ऑटोकैड चलाने गया एकदम स्टार्टिंग में, तो उसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, कहाँ से क्या चाहिए हमको, कहाँ से आर्क ड्रॉ होगा, कहाँ से लाइन ड्रॉ होगा रहा वगैरह, ये सब चाहिए आपको। तो पहले ही अगर F1 प्रेस करोगे तो जैसे आप अपने किताब खोलते हो तो कंटेंट दिखता है, कंटेंट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से दिखता है। अब चैप्टर 1 में भी सब टॉपिक, चैप्टर 2 में भी सब टॉपिक, सिमिलरली आपको ऑनलाइन हेल्प में ये सब चीज़ दिखने लग जाएगा, जो भी चाहिए, जैसे लाइन, लाइन में भी किस टाइप का लाइन, ठीक। तो इस तरीके से कंटेंट देखो, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट पहुंच जाओगे वहीं पे जहां आपको जिसका हेल्प चाहिए वहां पे। जैसे मान लो किताब है ये, है ना, हेल्प का एक बुक। और ध्यान रहे कि जो ऑटो कैड होता है वो ऑफलाइन मोड में भी चलता है, क्या ऑफलाइन, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट कनेक्ट करके रखो तो ये ऑफलाइन में भी चलेगा, क्लियर। तो F1 से समझ में आया, हमें हेल्प मिल जाएगा, ठीक। F2 पे जैसे ही करोगे तो वो प्रीवियस कमांड दिखाएगा, प्रीवियस कमांड मतलब हिस्ट्री, क्या दिखाया, हिस्ट्री, कि आप पहले से क्या यूज करके आए हो, क्या क्या कमांड यूज किए हो, वो आपको हिस्ट्री खुल जाएगा। जैसे आप ब्राउजिंग करते हो ना, कुछ भी आप सर्च किए हो तो वो हिस्ट्री में जाते हैं तो दिख जाता है ना, उसी तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, ठीक। तो प्रीवियस कमांड F2 से यहाँ डायरेक्ट दिखेगा, क्लियर। अब बात करो F3, क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, है ना। तो जैसे ही अगर आप कुछ बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट को स्नैप करेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे रेक्टेंगल बनाया, ठीक, तो रेक्टेंगल का कॉर्नर दिखाने लगेगा कि ये रेक्टेंगल का कॉर्नर है, ठीक, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, ठीक, कितने डिस्टेंस पे है वो भी दिखाने लगेगा, ये इसका सेंटर यहाँ पे है, क्लियर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को स्नैप कर देगा, ठीक है, सब एक एक पॉइंट दिखाने लगेगा। मान लीजिए आप सर्कल बनाए तो सर्कल का सेंटर दिखाने लगेगा, सर्कल का कोऑर्डिनेट दिखाने लगेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से ऑब्जेक्ट स्नैपिंग होने लगेगा, ठीक। अब आते हैं F4 पे। F4 क्या करता है, 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बात होगा 2D का, यहाँ बात होगा 2D, और वही चीज़, सेम चीज़ जो यहाँ पे कॉर्नर, सेंटर,
लाइन का सेंटर है ना, तो ये सब चीज़ दिखाने लगेगा 3D में। कहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखने लगेगा, क्लियर। अगर आप F5 पे बात करोगे तो आएगा आइसोप्लेन। जैसे आप 2D से 3D में जाते हैं तो हम लोग को चाहिए एक आइसोमेट्रिक प्लेन चाहिए। आइसोमेट्रिक प्लेन क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है, यहाँ से कुछ ऐसे 30-30 डिग्री पे पहले बनाते हैं। तो सेम चीज़ जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा आइसोप्लेन, और ये एक ग्रिड के फॉर्म में होगा, है ना। ग्रिड के फॉर्म का कहने का मतलब ऐसा ऐसे, ये सब मैंने फ्री हैंड स्केच में बनवाया भी था, ठीक है ना। इस तरीके से ग्रिड के फॉर्म में आइसोप्लेन ओपन हो जाएगा, ठीक। आपको जहाँ से डायग्राम स्टार्ट करना है 3D में बनाना है वहाँ से आप स्टार्ट कर लो। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना था, ऐसे किया ठीक, इसको ऐसे किया है ना, इसी लाइन पे एकदम मूव करते जाओ और ये ऑब्जेक्ट 3D में बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से F5 किसके लिए, आइसो प्लेन ओपन करने के लिए, ठीक। अब आते हैं F6। F6 क्या है, डायनामिक यूजर कोडेड यूजर कमांड सिस्टम, इसका नाम है यूजर कमांड सिस्टम, ठीक है ना, यूजर कमांड सिस्टम। अब देखो यूजर कमांड सिस्टम क्या है, तो पहले अगर आप ऑटोकैड चला रहे हो तो इस तरीके का पहले जो आप माउस ऐसे मूव कराओगे तो साथ साथ में ये भी मूव करने लगता है। जैसे मान लो सिंपल अगर आप चलाए होगे कंप्यूटर तो आपको ऐसे तीर दिखता है ना, ये तीर दिखता है, क्लियर। तो वैसे ही जब ऑटोकैड ओपन होगा तो आपको ऐसा दिखने लगेगा, माउस ऐसे भगाओगे तो आपको ये चीज़ ऐसे मूव करेगा। जैसे मान लो इसको रिप्लेस कर दिया ये, ठीक। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस हेयर, क्या बोलेंगे, क्रॉस हेयर। और ये इसको बोलते हैं पिक बॉक्स, क्या बोलेंगे, पिक बॉक्स, ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्रॉस हेयर, ये है आपका पिक बॉक्स है, क्लियर। तो देखो यूजर कमांड सिस्टम में क्या होता है डायनामिक में, कि जैसे ये मूव करोगे और अगर आपको लाइन का कमांड चाहिए तो जस्ट इसी के नीचे आपको कमांड दिखने लगेगा। जैसे आपने लाइन का L टाइप किया, L इंटर किया, तो यहीं पे आपको दिखने लगेगा लाइन, कितने का लाइन, 50 सेंटीमीटर का लाइन, तो 50 सेंटीमीटर बस इसी के नीचे, नहीं तो कहाँ दिखता। ये मान लीजिए इधर मूव कर रहा है कहीं, ये ड्राइंग स्पेस में यहाँ मूव कर रहा है, ठीक, तो यहीं दिखाएगा। नहीं तो अगर ये ऑन नहीं करते तो आपको कमांड में फिर दिखता, क्लियर है ना, कमांड बार में आपको वो सारा चीज़ दिखता। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर फास्ट ड्राइंग करना है तो ये ऑन करके रखते हैं, यहीं पे आपको ये जो कर्सर मूव हो रहा है वहीं पे आपको सब चीज़ दिखाने लगेगा, क्लियर। चलिए फटाफट करते हैं F7 में। देखो F7 क्या है ये समझ गया ना, यूजर कमांड सिस्टम में क्या, कि ये जो आपका क्रॉस हेयर मूव कर रहा है उसी के नीचे आपको लाइन कमांड दिखाएगा, जो भी कमांड चाहिए वो कमांड यहाँ दिखने लगेगा। अब बात करते हैं ग्रिड ऑन ऑफ, तो ग्रिड में क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे कैसा ग्रिड देखे, आइसो ग्रिड, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे दिखेगा आपको इस तरीके का ग्रिड, है ना, स्क्वायर ग्रिड, ऐसा 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 ऐसा, ठीक, इस तरीके का स्क्वायर ग्रिड दिखने लगेगा, क्लियर, जब आप ग्रिड ऑन कर दोगे। तो जैसे ही ऑफ कर दोगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं F8 पे। F8 क्या है, ऑर्थो ऑन ऑफ, ऑर्थो क्या मतलब, क्या होता है ऑर्थो मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो अगर आप ऑर्थो ऑन कर दोगे तो केवल सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, जैसे यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, सीधा सीधा लाइन। अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, ऐसे भागेगा, ठीक। अगर यही ऑन रहेगा तो सीधा सीधा चलने लगेगा, ठीक, ये ऑर्थो ऑन रहेगा तो, ठीक। ग्रिड स्नैप क्या है, कि ग्रिड स्नैप क्या है, अच्छे से समझना, कि ग्रिड जैसे ऑन है तो केवल और केवल ग्रिड पे ही चलेगा, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, इस तरीके से। अगर यहाँ से यहाँ चाहोगे तो ग्रिड ऑन है तो नहीं जाएगा, केवल वो ग्रिड को ही फॉलो करेगा, क्लियर, समझ गए होंगे, ग्रिड ऑन स्नैप हो गया। अब बात करते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, कि अगर आपको कोई एंगल चाहिए और वो कुछ एंगल में इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट जैसे 30-30 का इंक्रीमेंट चाहिए, 20-20 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो मान लीजिए जब आप स्टार्ट किए यहाँ से, पहला चाहिए 20 डिग्री पे तो ये 20, अगला फिर कितने का इंक्रीमेंट होगा, 40 का, मतलब 20 और तो 40 हो जाएगा, तो केवल वही एंगल शो करेगा जो आपने वहाँ पर डाल रखा है। जैसे मानने हमने 30 का इंक्रीमेंट दे दिया तो 30, 60, 90 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से वही एंगल शो करेगा जो आप वहां पे डाल के रखे हो, तो ठीक। ये किस लिए होता है, F10 प्रेस करेंगे तो वो दिखेगा, क्लियर। F11 किस लिए,
ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किए, इधर आए, इधर आए, तो कहाँ जाए कि ये लाइन से मिल जाएगा, तो ये ऑलरेडी दिखाने लगेगा कि अगर आप यहाँ रखोगे तो ये यहाँ पे इस कॉर्नर से मिल जाएगा, ठीक। तो पहले ही वो ट्रैक करने लगता है आपके ऑब्जेक्ट को, कि अगर जैसे मान लो एक और एग्जांपल, यहाँ से एक लाइन बनाए, यहाँ से एक लाइन बनाए, तो ये ऑलरेडी दिखाने लगेगा कि ये पॉइंट पे अगर जाओगे तो दोनों लाइन क्रॉस कर जाएगा, ठीक। तो वो पहले से ट्रैक करके ग्रीन लाइन से दिखाने लगता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं F11 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। F12 में क्या आएगा, डायनामिक इनपुट, ठीक है ना, जिसमें आप लाइन और एंगल शो कराते हैं। जैसे देखो डायनामिक इनपुट में क्या होगा कि मान लीजिए जैसे डायनामिक इनपुट ऑन कर दिए, तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो लाइन बनाने, तो जैसे ही यहाँ पे इधर गए तो यहीं पे दिखाने लगेगा आपको लाइन कि इतना दूर जा रहे हो तो लाइन कितने का है। जैसे ही आगे बढ़े तो लाइन, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, इतना बड़ा लाइन लिए, तो यहीं पर आपको दिखाएगा कि 10 है 5 है 10 है कितना है, ठीक है, 20 30 क्या है। तो यहीं पर आपको ट्रैक करने, ऐसे जैसे यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, इधर गए तो यहीं पर आपको दिखा रहा है कितना डायमेंशन है उसका, क्लियर। तो दो चीज़ इसमें दिखाएगा, लाइन का क्या डायमेंशन चल रहा है, बढ़ाओगे तो बढ़ते जाएगा, घटाओगे तो घटते जाएगा, उसी के साथ साथ एंगल भी दिखाएगा। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो एंगल भी दिखाने लगेगा, जैसे यहाँ दिखाया लाइन 10 और यहाँ दिखाया 30 डिग्री, क्लियर। तो इस तरीके से ये लाइन जैसे भी जाओगे, स्टार्ट यहाँ से करा, मान लीजिए ऐसे किया ऐसे, तो यहीं पर आपको दिखा देगा कि ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है और कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, क्लियर। तो इस तरीके से डायनामिक इनपुट में हम लोग करते हैं, क्लियर। तो समझ में आया होगा, जितने भी आपके फंक्शन कमांड है एक एक के बारे में अच्छे से समझा दिया। नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को देखिए अच्छे से, क्लियर। अगर और भी कुछ अगर इसमें डाउट है तो पूछिए, और हम लोग नेक्स्ट फिर ऑटो कैड के टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए।